हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमिता। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूं वेज मेयोनीज सैंडविच। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वेज मेयोनीज सैंडविच बनाना। हाँ तो फ्रेंड्स, वेज मेयोनीज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा प्याज लेंगे, जो उसे छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे टुकड़े में काट देंगे। एक आधा सा शिमला मिर्च है जो छोटे छोटे टुकड़े में मैंने काट दिया है। एक हरी मिर्ची है जो पतला पतला करके मैंने काट दिया है। ये थोड़ा सा हरा धनिया है। एक छोटा सा टमाटर है जो पतला पतला करके मैंने काट दिया है। और फ्रेंड्स, मैंने लिया है 2 पीस ब्रेड लिया है। आप 4 पीस भी ले सकते हैं, 6 पीस भी ले सकते हैं, उसके हिसाब से आपको वेजिटेबल भी आपको बढ़ाना भी पड़ेगा। और वेज मेयोनीज बना रहे हैं तो मैंने ये वेज वाला लिया है, वेज मेयोनीज। आप एक वाला भी आता है तो वो भी ले सकते हैं। मैंने वेज मेयोनीज लिया है क्योंकि मैं वेज सैंडविच बनाऊँगी। और मैंने ये अमूल बटर लिया है। और ये देखिए, मैगी का हॉट एंड श्योर का स्वीट का मैंने सॉस लिया है। आप केचप भी ले सकते हैं। और ये है मिक्स्ड हर्ब्स, ये ऑप्शनल है, इसके बदले आप ब्लैक पेपर भी ले सकते हैं। और मैंने मसालों में लिया है, ये देखिए, ये ब्लैक पेपर लिया है, ये थोड़ा सा नमक लिया है क्योंकि मेयोनीज भी नमक होता है, तो नमक पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये मिक्स्ड हर्ब्स है जो मैंने दिखाया है, ये ऑप्शनल है। आपके पास ओरिगानो हो तो वो भी ले सकते हैं, नहीं तो भी ये दोनों चीज़, नमक और ब्लैक पेपर लेना है आपको। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉल लेंगे। बॉल लेके हमने जो हरा धनिया लिया है और जो शिमला मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर और ये प्याज, और बाकी जो हमने ब्लैक पेपर, मिक्स्ड हर्ब्स, नमक लिया है उसको इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमने जो ये मेयोनीज लिया है इसको ऐड कर देंगे। लगभग इसे 3 चम्मच, आप जितना खाना पसंद करेंगे, मेयोनीज बहुत ही टेस्टी होता है, तो आप जितना खाना पसंद करेंगे उतना आप ऐड कर सकते हैं। मैंने 3 चम्मच ऐड किया है। और ये हमारा जो हॉट एंड स्वीट का सॉस है, इसे हम थोड़ा इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, मैंने सब ऐड कर दिया है। अब क्या करेंगे, हम अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। देखिए, ये मेयोनीज, ये जो वेजिटेबल है, हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है देखने में, और जब सैंडविच पे लगाएंगे तब और भी खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। अच्छे से मिक्स करना है मेयोनीज और जो सॉस हमने डाला है वेजिटेबल के साथ, इनको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद क्या करेंगे, ये हमने जो ब्रेड लिया है, 2 पीस ब्रेड, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमने बटर लिया है, बटर को हम ब्रेड के ऊपर अप्लाई करेंगे। मैंने पहले से ही फ्रिज से निकाल के बटर को बाहर रख दिया था। ये अच्छे से मेल्ट हो गया है, ये देखिए कितने अच्छे से अप्लाई हो पा रहा है। तुरंत अगर आप बटर को फ्रिज से निकालेंगे तो वो मेल्टेड नहीं रहता है और अच्छे से ऐसे स्प्रेड नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, क्या करेंगे, ये हमारा बटर हमने अप्लाई कर दिया है इसमें। अभी क्या करेंगे, ये जो देखिए हमने जो मसाला बनाया था सैंडविच मसाला, इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड कर देंगे। देखिए, इस पे हमें अच्छे से स्प्रेड करना है। ये ऐसे भी खाने में अच्छा लगता है,
या तो आप इसे क्या करेंगे, तवे पे थोड़ा सा टोस्ट करके खा सकते हैं, या अगर आपके पास ग्रिलर है तो आप इसे ग्रिल भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, अभी आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ कि मैंने ग्रिल किया है या टोस्ट किया है। ये सस्पेंस है। चलिए फिर मैं इसके ऊपर बटर अप्लाई कर देती हूँ अच्छे से। ये देखिए, ऐसे अगर हम जैसे बटर अप्लाई किए तो क्या करेंगे, जब हम तवे पे सेकेंगे तो एक तरफ पहले तो हम ऐसे तवे पे रखेंगे, उसके बाद एक तरफ जब सिक जाएगा तो हम क्या करेंगे, पलट के इसको दूसरी तरफ भी सेकेंगे। तो चलिए फिर हम फिर पहले टोस्ट करते हैं या ग्रिल करते हैं देखते हैं, उसके बाद हम प्लेटिंग करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैंने ये जो ग्रिलर है ना, ग्रिलर को प्रीहीट कर दिया है 5 मिनट पहले। अभी मैं क्या करूँगी, इसको बंद कर दिया है और मैं ये जो हमने सैंडविच बनाया है इसको आप तो ऐसे भी खा सकते हैं और आप टोस्ट करके इसे तवे पे भी सेक के खा सकते हैं दोनों तरफ, और या तो आपके पास ग्रिलर है तो ऐसे प्लेस करके इसको थोड़ा सा ग्रिल करके। अभी देखिए मैंने इसको बंद कर दिया है, अभी 2 मिनट के लिए बस मैं ग्रिल कर दूंगी और हमारा वेज मेयोनीज ग्रिल वाला जो बन के रेडी हो जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैंने ऑफ कर दिया है ग्रिलर को। अभी हमारा वेज मेयोनीज सैंडविच अभी बन के तैयार हो गया है। बहुत गर्म है ये, इसको आराम से निकालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं क्या करूँगी, इसे धीरे से देखिए ऐसे करके मैंने निकाल दिया है। ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, अच्छे से ग्रिल हो गया है। तो चले फिर मैं इसको प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ हमारा जो वेज मेयोनीज सैंडविच कैसे बना है। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, वेज मेयोनीज सैंडविच कितना अच्छा बना है, जो मैंने ग्रिल कर दिया है और ये अच्छे से अंदर से भी पक गया है। खाने में ये बहुत अच्छा लगता है। आप बिना ग्रिल किए भी ऐसे भी खा सकते हैं, टोस्ट करके भी खा सकते हैं। फ्रेंड्स ऐसे ही बनाइए वेज मेयोनीज सैंडविच। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।